हेलो गाइस, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुपर्ब सी डिनर ऑप्शन लेकर आई हूँ जो आपको बहुत सारा वेट लॉस देने वाली है, इंच लॉस देने वाली है। सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियंस लोग खुश होने वाले हैं। आज मैं आपके सामने एक नॉन वेज रेसिपी लेकर आई हूँ, दैट इज़ चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ एंड इट इज़ फाइबर एंड प्रोटीन रिच। बहुत ही अमेजिंग है, आप सभी को पता है कि चिकन एक गुड सोर्स होता है प्रोटीन का एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेजीज का भी इस्तेमाल किया है जो इसे बहुत ज़्यादा फाइबरस बना देगा एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर योर वेट लॉस जर्नी एंड फॉर योर इंच लॉस। आपकी कॉन्स्टिपेशन की इशू को दूर करेगा। जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है, थायरॉयड है, PCOS वाले सारे लोग इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, बहुत ज्यादा आपको फिलिंग रखेगा एंड आपकी क्रेविंग्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखेगा बिकॉज इट इज प्रोटीन एंड फाइबर रिच और आपको बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस देने वाला है। तो चलिए अब मेरे किचन में और बनाते हैं अपने चिकन कबाब को। आई एम ऑल सेट टू मेक चिकन कबाब, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, तो चलिए फटाफट से डालना स्टार्ट करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को, जिसके लिए सबसे पहले चला जाएगा हमारा मिंस्ड चिकन एंड इट इज़ 200 ग्राम ऑफ चिकन। जो बोनलेस चिकन है उसे मैंने अच्छे तरीके से मिंस्ड कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है, उसे मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। नेक्स्ट इज अनियन और मैं यहाँ 1 chopped onion डाल रही हूँ। नेक्स्ट इज कैरेट, 1 chopped carrot। नेक्स्ट इज कोरिएंडर लीव्स। नेक्स्ट इज ग्रीन चिली। नेक्स्ट इज कैप्सिकम, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये 1 teaspoon जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। लेमन जूस, ये हाफ लेमन जूस है। ब्लैक पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हाथों की मदद से हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बहुत ही अच्छे से इसे हम मिलाएंगे। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी बेसन एंड इट इज 2 tablespoons ऑफ बेसन। बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिलाना है और ये कबाब बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ हाथों पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लिया है जिससे कि टिक्की अच्छे तरीके से बाइंड होगी। बहुत ही अच्छे से हमें ऐसे शेप देना है लाइक दिस। आप जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा आप बना सकते हो। मैंने सारे कबाब्स को टिक्की का शेप दे दिया है, आप देख सकते हो। एंड चलिए अब कबाब को हम अपने तवे पे सेकते हैं। हमारा ग्रिल पैन गर्म हो चुका है, तो चलिए अब थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल जाएगा। अब बारी आती है कबाब्स को डालने की। Look at the beauty. आप देख सकते हो मैंने सारे कबाब्स को पैन पे डाल दिया है, ग्रिल पैन पे डाल दिया है। आप इसे नॉर्मल पैन पे भी कुक कर सकते हो और मैंने यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। दोनों साइड से हमें इसे 3 to 4 minutes तक कुक करना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आ जाए और ये प्रॉपरली कुक हो जाए। 1 by 1 करके चलिए अब हम सारे कबाब्स को फ्लिप करते हैं। Here we go. Wow. Look at the marks. आप मार्क्स देख सकते हो, कितने अमेजिंग ग्रिल पैन के मार्क्स आ रहे हैं और मुझे बड़ा ही मज़ा आता है ऐसे कबाब्स खाने में जब ग्रिल पैन के मार्क्स होते हैं, बड़ा ही फ्लेवरफुल लगता है ऐसा कबाब। Here we go. Wow, look at this. Wow. Yummy. मैंने 1 by 1 करके सारे कबाब्स को टर्न कर दिया है। वन साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से सेक चुका है, तो हम इसे दूसरे साइड से सेक रहे हैं एंड बहुत ही उम्दा फ्लेवर आ रहा है, बड़ा अमेजिंग फ्लेवर है, बहुत सारे वेजीज हैं इसमें, बहुत ही मस्त सा कबाब बनता है ये। इसे अब हम फ्लिप करके देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। दूसरे साइड से हम इसे फ्लिप करते हैं। लुक एट दिस, बोथ साइड से बहुत ही अच्छे कलर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है। तो हमारा कबाब बनकर रेडी हो चुका है। अब चलिए फटाफट से इसे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है।
हमारा यमी सा चिकन कबाब बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और मैंने इसे यहाँ ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से दी हुई है, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड आप इस कबाब को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टैंगी फ्लेवर है, फुल ऑफ फ्लेवर है, बहुत सारे वेजिटेबल्स के इसमें फ्लेवर है एंड वेरी अमेजिंग फॉर वेट लॉस। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज। टिल देन, ta-ta, bye-bye, thank you for watching.